तो टू ट्रिक में दोस्तों, टू ट्रिक में 6.5 इंच इसी प्रकार से माइनस करते हैं। 1 इंच ये ट्रिक का पकड़ लिया, 1 इंच ये ट्रिक का पकड़ लिया, 2 इंच हो गया और 1.5 इंच ये हो गया और 1.5 इंच। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चौधरी एल्युमिनियम फैब्रिकेटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 18 mm x 40 mm का जो सेक्शन होता है उसको, उसमें 6.5 इंच माइनस करते हैं तो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, इसी पे बात करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग ने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, उसमें लोग बताते हैं कि 6.5 इंच माइनस होता है, पर क्यों होता है और कैसे होता है ये किसी ने नहीं बताया है। और हमारे बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो काम तो करते हैं, उनको तो मालूम है कि 6.5 इंच माइनस होता है, पर क्यों होता है और कैसे होता है ये नहीं मालूम है। काम करते हैं पर मतलब कैसे माइनस होता है 6.5 इंच पौने के सेक्शन में, सबको नहीं मालूम है। दोस्तों आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। मान लीजिए ये हमारा फ्रेम हो गया, दोस्तों ये फ्रेम हो गया और ये हाइट में जो दिखता है, हाइट का समझ लीजिए, मान लीजिए हाइट का मेरा हो गया और ये चौड़ाई का हो गया, इसमें ये दो हैंडल दो इंटरलॉक लगता है, ये ट्रैक हो गया, ये साइड ट्रैक हो गया, ये बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया। दोस्तों इसी पे मैं पूरा समझाने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ हाइट की, कि हाइट में 1.5 इंच माइनस करते हैं तो क्यों करते हैं। मैंने विंडो की साइज़ लिख दी है, मान लीजिए मेरा विंडो 46.5 इंच की चौड़ाई है और 47.5 इंच की हाइट है, 47.5 इंच हाइट हो गया दोस्तों और 46.5 इंच चौड़ाई हो गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि 1.5 इंच अगर माइनस होता है हाइट में तो क्यों माइनस होता है। तो मैं आपको सबसे पहले ट्रिक दिखा देता हूँ दोस्तों। ये इसका जो खांचा होता है दोस्तों, ये खांचा होता है, ये 3/8 का होता है, 1½ इंच भी अलम समाता है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ टेप लगा के, ये देख लीजिए, ये 1/2 इंच के आसपास 1/2 इंच ही आता है। तो दोस्तों ये 1/2 इंच हमारा ये हो गया। और बॉटम का जो ट्रैक होता है दोस्तों, ये बॉटम का जो ट्रैक होता है, इसमें बैरिंग चलती है, यहाँ से बैरिंग से लेके और यहाँ नीचे तक नापेंगे तो ये 7 सूत आता है। देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो ये 7 सूत आएगा, कितना आता है दोस्तों, ये 7 सूत आता है। तो दोस्तों इसी बेस पर मैं पूरा आप लोग को समझाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से और सावधानी से समझाने वाला हूँ। आप लोगों का दिमाग लगा के समझेंगे तो कोई भी सेक्शन हो, 18 mm x 40 mm का सेक्शन हो, 18-60 का सेक्शन हो, 18-50 का सेक्शन हो, या 25-50 का सेक्शन हो, कोई भी सेक्शन हो, आप आराम से साइज निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइट की। हाइट में दोस्तों ये हो गया 1/2 इंच और यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैक रहता है जिस पर बैरिंग चलता है वो 7/8 का आता है। दोस्तों 7 सूत ये हो गया और 1/2 इंच ये हो गया, तो दोस्तों 1 इंच 3 सूत हो जाता है, 3/8। और शटर को, जो शटर चलता है दोस्तों, शटर को चलने के लिए 1 सूत लमसम प्ले कर देते हैं शटर को चलने के लिए, तो ये हो जाता है 1.5 इंच। इसी प्रकार से 1.5 इंच माइनस करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं ग्लास की। ग्लास की साइज़ कैसे निकालते हैं, कैसे मालूम पड़ता है कि हमको कितना माइनस करना है और कैसे माइनस करना है। दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं। अब बैरिंग की और हाइट की साइज़ लिख के आप लोग को दिखा देता हूं। सबसे पहले बैरिंग की साइज़ मैं निकाल लेता हूं। वी से बैरिंग हो गया, एच से हाइट हो गया, इससे इंटरलॉक और हैंडल कटेगा ये साइज़ का। तो मान लीजिए मेरा साइज 46.5 इंच है, 46.5 इंच में से 6.5 इंच अगर माइनस करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा ये 40 इंच। तो 40 को अगर 2 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 इंच। तो 20 इंच की हमारी वायरिंग कटेगी और हाइट में 1.5 इंच अगर माइनस करेंगे तो इसमें हो जाएगा 47.5 में से 1.5 माइनस में 46 इंच आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ग्लास की। ग्लास की साइज़ कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूँ, दिखा देता हूँ। वायरिंग में दोस्तों सिर्फ 5/8 बढ़ा देते हैं, जो वायरिंग की साइज़ है उसमें 5/8 बढ़ा देते हैं। और हाइट में क्या करते हैं दोस्तों, हाइट में ये करते हैं कि सबसे पहले जो चीज़ लगाते हैं, जैसे मैं टॉप लगा रहा हूँ, टॉप सेक्शन अगर आप लगा रहे हैं नीचे और ऊपर में, तो दोस्तों इसको जोड़ लेना है ऐसे आपस में और जोड़ के देख लेना है कि हमारा कितना आ रहा है। ये कांच का जो साइज रहेगा जिसमें कांच घुसाते हैं रबड़, ये बाहर की तरफ रहेगा, ये बाहर की तरफ रहेगा, ऐसे बाहर करके और यहाँ से लगा के देख लेना है कि हमारा कितना आ रहा है। तो ये 2 इंची 3 सूत आ रहा है दोस्तों, और 1 सूत रबड़ का प्ले कर देते हैं।
तो ये इसमें 2.5 इंच माइनस होता है। अगर आप टॉप टॉप लगाते हैं दोस्तों तो 2.5 इंच माइनस होता है। तो 46 में से 2.5 इंच अगर निकाल देंगे तो हो जाएगा 46 में से 2 गए 44, 43.5 इंच। अगर आप टॉप टॉप लगाते हैं दोस्तों, टॉप प्लस टॉप लगाते हैं, टॉप सटर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 2.5 इंच माइनस होता है। और यही चीज़ अगर आप लोग नीचे वायरिंग और ऊपर में टॉप लगाते हैं तो कितना माइनस होता है दोस्तों, ऐसी वो भी लगा के ही देख लेना है कि मतलब अगर मैं मेरा वायरिंग और टॉप लगा के मिला के कितना आता है, तो वो दोस्तों आएगा 3 इंच। तो 46 में से 3 इंच माइनस करेंगे तो दोस्तों 43 हो जाएगा। अगर नीचे वायरिंग और ऊपर में टॉप लगाते हैं, टॉप सेटर लगाते हैं, तो नीचे में वायरिंग सेटर, ऊपर में टॉप सेटर लगाते हैं, चौड़ाई में दोस्तों 580 प्लस होता है कोई हो। अब दोस्तों 58 बढ़ा दिए इसमें, अब आप बैरिंग बैरिंग लगा रहे हैं तो कितना माइनस करेंगे दोस्तों, अगर आप बैरिंग बैरिंग लगा रहे हैं दोस्तों तो 3.5 इंच में माइनस होता है। तो 46 में 3.5 माइनस कर देंगे तो 45.5 इंच आएगा, बैरिंग प्लस बैरिंग लगा रहे हैं, बैरिंग प्लस बैरिंग बैरिंग पट्टी लगा रहे हैं, तो दोस्तों बैरिंग पट्टी प्लस बैरिंग पट्टी लगा रहे हैं तो 3.5 इंच माइनस होता है। इसमें कितना होता है दोस्तों, इसमें होता है 2.5 इंच, इसमें 3 इंच, इसमें 3.5 इंच, ऐसी माइनस होता है इसी प्रकार से दोस्तों। अब बात करते हैं कि चौड़ाई में अगर 6.5 इंच अगर माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं दोस्तों। ग्लास का और हाइट का मैंने तो समझा दिया हूँ, अब इसमें 6.5 इंच अगर माइनस करते हैं तो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं दोस्तों। ये स्टॉल लॉक मारने का विट है 16 mm का रहता है और इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, देख लीजिए। मैंने होल मारा हूँ, मैं काफ़ी दिन से यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा और बहुत स्मूथली चलता है, स्टील का रहता है और काफ़ी दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, लमसम 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग को अगर मंगाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका डाल दिया हूँ, आप लोग मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैक का, जो खांचा हो गया है मैं पहले आपको बता दिया हूँ, जो ट्रैक का खांचा 1/2 इंच रहता है और इस तरफ का 1/2 इंच रहता है, और लॉक जो इसके अंदर जाता है फंसता है, तो लॉक दोस्तों यहीं तक 2 सूत अंदर जाता है, तो 1/2 का यह ट्रैक रहता है दोस्तों। एक बार ट्रैक में आप लोग को नाप के दिखा देता हूँ, ये 1/2 का ट्रैक रहता है, ये देख लीजिए 1/2 का ट्रैक रहता है। तो इसमें लॉक जो जाता है, लॉक सिर्फ इतना ही तक जाता है 2 सूत, तो यह ट्रैक कितना बच जाता है दोस्तों, 1 इंच पूरा ट्रैक बच जाता है। तो दोस्तों ट्रैक का यहाँ का जो ट्रैक है, 1 इंच ये ट्रैक का पकड़ लिए और 1 इंच ये ट्रैक का पकड़ लिए दोस्तों। अब आ जाते हैं हैंडल पे, हैंडल 1.5 का रहता है, तो 1.5 इंच हैंडल का हो गया, यह इंटरलॉक हो गया दोस्तों, तो इंटरलॉक का 1.5 इंच हो गया, और ये वाले हैंडल का हो गया दोस्तों 1.5 इंच। अब 1.5 और 1.5 3 हो गया, और 1.5 4.5 हो गया, 4.5 और 2 6 हो गया, एक ये तर 1 इंच इस तरफ का, 1 इंच इस तरफ का, तो 2 इंच ट्रैक का पकड़ लेते हैं और 4.5 इंच ये हो जाता है। तो 2 ट्रैक में दोस्तों, 2 ट्रैक में 6.5 इंच इसी प्रकार से माइनस करते हैं, 1 इंच ये ट्रैक का पकड़ लिया, 1 इंच ये ट्रैक का पकड़ लिया, 2 इंच हो गया, और 1.5 इंच ये हो गया, और 1.5 इंच ये गया, 1.5 3 हो गया, और 1.5 4.5 और 2 6 इसी प्रकार से माइनस करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में अगर आपको 3 ट्रैक बनाना हो, मान लीजिए आपको 3 ट्रैक बनाना है तो क्या करेंगे, 3 ट्रैक में भी 1.5 इंच माइनस हो जाएगा, तो 1 इंटरलॉक बढ़ जाएगा इसमें दोस्तों, तो 1.5 इंच और माइनस हो गया, तो 3 ट्रैक में 8 इंच माइनस करते हैं। इसी प्रकार से विंडो में माइनस किया जाता है दोस्तों, कोई भी सेक्शन हो आप ले लीजिए, 1840 का सेक्शन है या कोई भी सेक्शन हो, इसी प्रकार से माइनस करने का रीज़न रहता है दोस्तों। सेक्शन जो सेक्शन रहेगा आपका, मान लीजिए आप सेक्शन नाप लीजिए, आप कोई भी सेक्शन का बना रहे हैं तो सेक्शन को नाप लीजिए, जितना सेक्शन आएगा दोस्तों वही सेक्शन वही चीज़ माइनस होगा, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा माइनस नहीं होता है। उसके बाद में ट्रैक में अगर देख लिया जाता है कि लॉक मेरा कितना अंदर जा रहा है और ट्रैक कितना इंच बच रहा है, तो उसी के हिसाब से ट्रैक माइनस कर दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों हमारी वीडियो आप लोग को पूरी समझ में आई हो, और अगर नहीं समझ में आई दोस्तों, कोई आप अलग सेक्शन बना रहे हैं जैसे आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और फिर नई वीडियो लेके आएंगे हम, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।